12th क्लास में आज हमारा जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है फ्लावर डिसेक्शन। फ्लावर की थ्योरी आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं, अब फ्लावर को डिसेक्शन कैसे करते हैं, उसके एक एक पार्ट्स को कैसे देखते हैं, ये 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों के लिए उपयोगी है, थ्योरी 11th में भी है। अब फ्लावर में डिसेक्शन के लिए हम कोई सा भी फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो फ्लावर लिया जाता है वो है गुड़हल, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स क्लियर दिखते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, सामान्य नाम हम कहते हैं गुड़हल, वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और किस फैमिली में ये आता है, तो ये आता है मालवेसी में, जैसे धतूरा, धतूरा आता है सोलेनेसी में और गुड़हल आता है मालवेसी में। धतूरे का नाम धतूरा स्ट्रेमोनियम, वैज्ञानिक नाम। तो अभी हमको यहाँ पे गुड़हल के बारे में मालूम होना चाहिए। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको पता है, चार पार्ट्स होते हैं इसके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसको हम फ्लावर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गुड़हल के फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे और एक एक पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पुष्प के मुख्य भाग, कैलिक्स जिसको हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं, कोरोला जिसको दलपुंज कहते हैं, एंड्रोशियम जिसको पुमंग कहते हैं, ये नर जननांग पुष्प का, इसका ये साइन होता है, गाइनोशियम जिसको जायांग कहते हैं हिंदी में, और ये मादा जननांग है, इसका एक सर्कल और उसके नीचे प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फ्लावर को लेकर उसकी बात करेंगे। आप देखिए सबसे पहले ये गुड़हल का फूल, इस गुड़हल के फूल में आपको यहाँ पर उल्टा कर रही हूं मैं, ये पुष्प जहां से हम पुष्प को पकड़ते हैं ये पुष्प का कहलाता है पुष्प व्रंत, पेडिसल, पुष्प व्रंत। ठीक है, ये पुष्प के मुख्य भाग में नहीं आता है, सामान्य भाग है, तो ये पुष्प व्रंत हो गया। ये इपिकैलिक्स सब में नहीं होते हैं, किसी किसी पुष्प में होते हैं, मुख्य रूप से पुष्प के चार भाग ही होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इपिकैलिक्स किसी किसी में होते हैं। अब इन इपिकैलिक्स को हटा दें हम और उसके बाद में हम बात करेंगे कैलिक्स की। अब यहाँ पे आप कैलिक्स में देखिए, आपको यहाँ पे देखिए कैलिक्स में ये कैलिक्स 1, 2, 3, 4 और 5, इसको ये पांचों कैलिक्स जो होते हैं इनको आप जब डिसेक्शन करेंगे तो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ें और यहाँ से ऐसे कट लगा लें, दोनों को पत्तों को पकड़ लें, ये हरे कलर के जो हैं, और ऐसे यहाँ से कट लगाते जाएं, एक कट लगा दिया, फिर यहाँ पे वापिस से दो कट लगा दिया, है ना। तो आप जब इसमें कट लगाएंगे तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और इनको आप अलग कर लेंगे। ठीक है, अब इनका कार्य भी बता देती हूं मैं, इनका कार्य क्या है आप देखिए, ये कैलिक्स ये गुड़हल का ही फूल है, इसमें देखिए कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, कि जब पुष्प पूरी तरह खिलता नहीं है तो वो कौन सी अवस्था में रहता है, कली अवस्था में, ये कली दिख रही है आपको, और ये कैलिक्स इसको पूरा बांध के रखती है ताकि कोई भी पक्षी या कीट आके इसके पराग कणों को या फूल को डैमेज ना करे। ये तो हम गुड़हल की बात कर रहे हैं, धतूरे में भी देखिए ये धतूरे का फूल खिला नहीं है और ये कली अवस्था में पूरा ये कैलिक्स है इसका, ये कैलिक्स इसकी सुरक्षा कर रहा है। उसके अलावा एक लीली, लीली का प्लांट होता है ना, स्पाइडर लीली कहलाती है, बीज स्पाइडर लीली, इसका ये फ्लावर है, इसमें देखिए ये इसका फ्लावर, इस फ्लावर को ये जब बंद अवस्था में तो पूरा देखिए आप, इसका जो कैलिक्स है व्हाइट कलर की होती है इसकी कैलिक्स, उन्होंने पूरा इसको कवर करके रखा है। तो कैलिक्स का कार्य आपको समझ में आया होगा कि कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स पूरी दिख रही है आपको यहाँ पे चक्र के रूप में, पहला चक्र है इसका। अब इन कैलिक्स को मैं यहाँ पे सेपरेट करते हैं, तो देखिए आप ये एक भाग को जब मैं पकड़ती हूं तो इसको कहते हैं सेपल, कैलिक्स के एक भाग को क्या कहते हैं, सेपल। तो ये एक दूसरा भाग ये यहाँ पे रखा मैंने, फिर उसके बाद आप देखिए ये तीसरा भाग है ना ये, फिर उसके बाद में तीन पार्ट हो गए, फिर उसके बाद में हम देखेंगे चौथा, तो ये एक भाग और ये पांचों भाग। अब इसके पांचों पार्ट मिलके ये 3, 4 और ये 5वां, अब ये पांचों पार्ट मिलके क्या कहलाते हैं, कैलिक्स। और अलग अलग हम देखते हैं ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, और सारे सेपल मिलके कैलिक्स, हिंदी में कहते हैं भायदल पुंज, और इनका कार्य है कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। क्लियर, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट में जब हम आते हैं तो आप देखिए ये है, यहां से मैंने एक निकाला यहां रख दिया, ठीक है, फिर यहां निकाला यहां रख दिया, फिर उसके बाद में तीसरा पार्ट ये निकाला यहां रखा, फिर चौथा पार्ट ये निकाला यहां रखा, और ये पांचवा पार्ट,
ये पांचों पार्ट। अब देखिए आप, ये जो आपको पांचों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों पार्ट मिलके बनाते हैं कोरोला। क्या बनाते हैं ये? कोरोला। ये कोरोला। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कैलिक्स के एक पार्ट को हम कहते हैं सेपल, कोरोला के एक भाग को कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल, पंखुड़ी है ना, तो ये पेटल। हाँ, ये पेटल। अब इस पेटल का या इस कोरोला का कार्य क्या है? आपने देखा होगा ये पुष्प है, जैसे गुड़हल का, ये रंगीन है, सारे रंगीन पुष्प होते हैं। अब ये जो रंगीन पुष्प, कुछ व्हाइट भी होते हैं, तो जो रंगीन पुष्प होते हैं, ये रंगीन पुष्प रंगीन क्यों होते हैं, या ये कोरोला का कार्य रंगीन क्यों होना है? इसलिए कि ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करे। कोई चीज रंगीन होगी तभी तो वो अट्रैक्ट करेगी। और आपने अधिकांश देखा होगा, इस बात को ध्यान रखना है, नोट करना, कि दिन में खिलने वाले पुष्प सब रंगीन होते हैं और रात में खिलने वाले पुष्प सफेद होते हैं। रात में सफेद एकदम दिख जाते हैं कीटों को, और खुशबू वाले होते हैं। रात रानी देखा है, सब कैसी होती है? खुशबू वाली। क्यों खुशबू वाली? क्योंकि रात में दिखता नहीं है, मान लो पक्षियों को या कीटों को, तो परागण की क्रिया के लिए वो खुशबू से चले जाते हैं। तो रात में खिलने वाले जनरली कैसे होते हैं? सफेद। तो ये गुड़हल, तो इसमें कोरोला का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। एक भाग को क्या कहते हैं? पेटल। कैलिक्स के एक भाग को क्या कहते हैं? सेपल। कैलिक्स का कार्य क्या है? कली अवस्था में पुष्प की। कोरोला का कार्य क्या है? रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए, किसके लिए? परागण की क्रिया, आकर्षित करना। ये दोनों हो गए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। कौन से अंग कहलाते हैं? क्योंकि ये केवल सहायता कर रहे हैं, जनन में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये सहायक अंग है। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट की हम बात करेंगे तो तीसरा पार्ट इसमें होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहां देखिए आप, ये आपको यहां पे पुष्प में, ऐसे पुष्प में दिखाऊंगी, तो ये आपको यहां से यहां तक का, इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये मैं हटा देती हूं, ऊपर वाला पार्ट, इसको हमने हटा दिया, मादा जननांग को, है ना। अब ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, हम चाहें तो इतना भी हटा सकते हैं, ये वाला, ये गुड़हल का एंड्रोशियम, जिसको हम कहते हैं नर जननांग, या इसके एक पार्ट को कहते हैं स्टेमिन। क्या कहते हैं? स्टेमिन। हिंदी में कहते हैं इसको पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर। अब यहां पे ये स्टेमिन देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि आपको पूरे गुड़हल में गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर यही चीज मैं आपको धतूरे में दिखाऊं और यही चीज आपको लीली में दिखाऊं, आप लीली में देखिए, सॉरी ये आप इसमें देखिए, लीली में देखिए आप, ये लीली में यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो है ये नर जननांग है, इसका पुंकेसर है, ये इसके पराग कण है, ये यहां पे पराग कोश, ये दिख रहा है ना, इसके अंदर पराग कण होंगे। और इससे भी अच्छा आपको इसमें दिखाती हूं मैं, धतूरे में देखिए आप, सबसे अच्छा दिखाई देता है धतूरे में। बच्चों को समझाने के लिए, धतूरे में आप यदि पराग कण दिखाएंगे या पराग कोश दिखाएंगे या ये वाली चीज दिखाएंगे जो इसका नर जननांग है, तो बच्चे बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ जाएंगे। ये देखिए आप इसमें, ये एंड्रोशियम पुमंग या नर जननांग, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसमें आपको ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर भरे हुए होते हैं पराग कण, है ना, और ये इसका पूतंतु। पूतंतु मतलब फिलामेंट। अब इसमें जो होती है, गुड़हल में जो होती है, उसमें बहुत छोटा होता है। देखिए आप, ये इसको हाईलाइट करके दिखा रही हूं मैं आपको, ये देखिए आप, ये इसमें देखिए, इसमें गुड़हल में आप देखिए, ये ऊपर इसका पराग कोश जिसके अंदर पराग कण भरे होंगे, और ये लंबी डंडी जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है? पूतंतु, फिलामेंट, जिसको कहते हैं पोलन सेक, और ये फिलामेंट पोलन सेक के अंदर भरे हुए होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये इसका हुआ नर जननांग, जिसका कार्य क्या है? नर युग्मक का निर्माण करना। एक पराग कण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। एक पराग कण से कितने नर युग्मक का निर्माण होता है? दो नर युग्मक। अब ये पूरा का पूरा जो है एक संघी होता है, इसमें गुड़हल में विशेषता है। और इसमें आप देख ही रहे कि इतने लंबी इसकी पूतंतु है, फिलामेंट है, और ऊपर ये यहाँ पे पराग कोश है जिसके अंदर पराग कण भरे हुए जो नर युग्मक बनाएंगे। अब यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद में बात होती है मादा जननांग की। किसकी? मादा जननांग। हाँ, तो हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ पे इसको भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। हम सारे हटा देंगे यहाँ से, पुंकेसर को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए,
हाथ से करें, कैसे भी करें, कैंची से करें, इसको पूरा रिमूव करना है ना। ये हाथ से भी हो जाते हैं इजी गोइंग। तो ये अब इसमें ये रिमूव करने के बाद में ये आपको दलपुंज हो गए, इसको आप केलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम ही याद करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को हिंदी में बहुत कम जो है उपयोग में आता है, क्योंकि ये एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मादा जननांग की। तो इसमें देखिए आप, ये पूरा ऐसा रखा रहेगा और इसमें आपको ये इसको अगर हम ऐसे देखते हैं, ये देखिए, तो इसमें ये ऊपर ही ऊपर आपको यहां पर जो दिख रहे हैं इनकी संख्या होती है पांच। कितनी होती है? पांच। ये पांच है संख्या में, आपको इसमें भी स्पष्ट दिखाई देंगे। ये देखिए आप, इसमें पांच दिखाई दे रहे हैं आपको ये यहां पर। ये देखिए एक दो, ये यहां पर तीन, और ये चार, और ये पांच, पांच दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये पांचों जो है ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये पूरी डंडी ये है स्टाइल, और ये नीचे होती है इसमें ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मादा जननांग है। अब ये जो है यहां पर इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहां से आप क्या करें, एक यहां पर इस तरीके से हमको क्या करना है, कट लगाना है ना। ये ऐसे उठाया इसको और इस तरीके से पूरा नली नुमा संरचना है ये। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे हमने ओपन किया, धीरे से हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में जब हम इसको खोलते हैं, इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना होता है, और जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी एक नली नुमा संरचना दिखाई देगी। इस तरीके से हम इसको नली नुमा संरचना को ओपन करते जाते हैं धीरे धीरे। तो देखिए आप, ये ऊपर आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बिल्कुल अलग अलग जो है वो सेपरेट होते हुए नजर आएंगे। ये देखिए आप, इसको ये ऊपर वाला बिल्कुल हटा दें, इसका कवर ये हटा दिया, इसको कैंची से कट कर दो। ये कट कर दिया हमने इसको कैंची से, इस वाले पार्ट को भी कट कर दीजिए कैंची से। थोड़ा सा जो है सावधानी पूर्वक करेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट्स जो है इसको कर सकता है और इसके पार्ट्स को देख सकता है। ये इसमें देखिए आप, अब देखिए आप इसमें ये इसमें यहाँ पे आपको ओवरी भी स्पष्ट दिखाई देगी यदि आप इसको और अच्छे से आसपास से रिमूव कर लें। ये देखिए इसमें यहाँ पे रिमूव करने के बाद में ये कैलिक्स को भी आसपास इपिकैलिक्स लगी हुई है, इसको हटाएं और उसके बाद ये इस तरीके से देखें आप। अब देखिए आप इसमें ये यहाँ पे स्टिग्मा, ये पूरी लाइन स्टाइल, और यहाँ पे ये ओवरी, ओवरी झिल्ली के अंदर बंद है ये, मैंने खोला नहीं, इसको ओपन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है हमको। अब इसमें यदि आप ये इपिकैलिक्स को रिमूव कर दें तो ये हमको ओवरी स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये ओवरी है ना, ये ओवरी इस तरीके से, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जितनी स्टिग्मा की संख्या होती है पांच, अंडपो की संख्या भी यहाँ पे इतनी होती है। अब इसको क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करके हम देखते हैं। तो कैसे देखेंगे हम, सेक्शन कटिंग करके ये ब्लेड की सहायता से इस ओवरी के पतले पतले सेक्शंस काटते हैं, ये ऐसे ऐसे सेक्शंस काटने के बाद में, ये सेक्शंस काटा हमने, और सेक्शंस कट करने के बाद में इसको यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ये पंचांडपी कैसी दिखाई देगी, पंचांडपी, पंचांडपी ओवरी हमको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे पांच स्टिग्मा है तो ओवरी भी हमको कैसी दिखाई देगी, पंचांडपी। तो इसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में आपको ये पंचांडपी ओवरी दिखाई देगी। ये देखिए हमने गुड़हल की ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लिया, इसको मैंने थोड़ा इनलार्ज किया है, आप देखिएगा ये पंचांडपी युक्तांडपी दिखाई दे रही है। इस तरह की ओवरी में इसमें क्या होता है, लोक्यूल्स और ओव्यूल्स की संख्या बराबर होती है, जितने लोक्यूल्स होंगे उतने ओव्यूल्स होंगे। तो चूंकि यहाँ पर पांच लोक्यूल्स हैं तो पांच ही ओव्यूल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। और उसके पश्चात आप ये भी देखिए कि इसमें अंडपो के जो किनारे होते हैं ओव्यूल्स के, वो जुड़ने के पश्चात अंदर की ओर बढ़कर केंद्र में जुड़ जाते हैं और एक सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस दिखाई दे रहा है हमें, तो ये सेंट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर में दिखेगा आप, है ना, पांच लोक्यूल्स है, पांच ओव्यूल्स है, और सेंटर में हमको सेंट्रल एक्सिस दिखाई दे रहा है। इसमें जो है ये जो एग्जांपल है गुड़हल का, ऐसा ही हमें बैंगन, गुड़हल, सरसों, सॉरी टमाटर, नींबू, संतरा, नारंगी, इनमें भी दिखाई देता है। तो आप देखिए ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की ओवरी का
सेक्शंस, ट्रांसवर्स सेक्शन।